This conference will now be recorded. आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट. वेलकम बैक. माशाल्लाह, बीएमबीएस को आज हम रिज्यूम करेंगे. रिजल्ट्स आर आउट और इनफैक्ट बीएमबीएस में वन ऑफ अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फ्रॉम पैक एंड दैट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. FAR 2 में आई गेस SN का आई गेस गोल्ड मेडल है. So it means that the things are moving ahead and the things are going now fine. So hum aaj inshallah apna second chapter sorry fourth chapter start karenge aur usme hum iske important areas ko pehle review karenge. Is chapter mein humne padhna kya kya hai jaise hum discuss karte aaye hain. We will talk about that aur afterwards inshallah hum अब आपके मिड टर्म 3rd of December से स्केड्यूल्ड है. मिड टर्म पहले पहले हम अपना 4th और 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम 11 चैप्टर का एक पोर्शन हाफ ऑफ 11 चैप्टर कवर करेंगे. तो आपके मिड टर्म में पहले 5 चैप्टर आधा 11 चैप्टर है. यानी आप अगर बुक का कंटेंट देखें तो 50% ऑफ योर बुक 5 चैप्टर्स आपके 11 चैप्टर्स में से मिड टर्म में आएंगे. अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो इट विल कवर लाइक 55% ऑफ एग्जामिनेशन कंटेंट. परसेंटेज वाइज तकरीबन 55% मार्क्स का पेपर मिड टर्म के सिलेबस में से होगा. ठीक, सो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, लेट अदर्स कम एंड देन वी स्टार्ट. इन द मीन टाइम आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क प्लीज. बेटा सना, फंक्शनल और डिवीनल. डिवीनल स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की ही एडवांसमेंट है. यानी आप ये समझें कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर एक और लेयर ऐड कर देते हैं डिवीजंस की. मतलब अगर मैं आपको इसे आपकी डायग्राम बुक की दिखाऊं, इफ यू जस्ट लुक एट इट, ओके, दिस इज डिवीनल स्ट्रक्चर. आप ये डिवीनल डिवीजंस की आपको आवाज आ रही है मेरी? आप ये डिवीजंस निकाल दें, ठीक है, ये डिवीजंस आप माइनस कर दें तो पीछे फंक्शनल ही बचता है ना. बेसिकली डिवीजनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, फंक्शंस के ऊपर डिवीजंस ऐड करके फंक्शंस को डुप्लीकेट कर देते हैं. क्योंकि हर डिवीजन ने डिफरेंट प्रोडक्शन करनी है, हर डिवीजन ने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स को देखना है, तो आप डिवीजनल लेवल के ऊपर फिर आप डिफरेंट फंक्शंस को कन्वर्ज कर देते हैं अंडर सिंगल डिवीजन.
गेटिंग द पॉइंट? जैसे मैंने आपको नेस्ले की एग्जांपल दी थी कि नेस्ले की एक डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, डिवीजन सी है, कुछ फंक्शंस जो हैं वो डिवीजन लेवल पे कन्वर्ज होते हैं और कुछ फंक्शंस आप डुप्लीकेट कर देते हैं। अब डिवीजन ए के अपने फंक्शंस हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। डिवीजन बी के भी अपने फंक्शंस हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सारे फंक्शन सेम। सो डिवीजन लेवल पे फंक्शंस जो हैं, यानी अगर आप ये वाली लेयर गायब कर दें ऊपर से, तो यू विल गेट विद दिस, फिर आपको ये मिलेगा, यू विल गेट ऑल द फंक्शंस। गेटिंग द पॉइंट? सो डिवीजनल स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिकली एक अगली स्टेज है डेवलपमेंट की। दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की अगली स्टेज है, ठीक है? ओके, फोर्थ चैप्टर में हमारे पास दो मेन एरियाज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है, एंड द सेकंड वन इज हाउ टू मैनेज चेंज, चेंज को मैनेज कैसे करते हैं। स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है और चेंज को मैनेज कैसे किया जाता है, यानी बेसिकली हमने दो पार्ट्स को रिव्यू करना है। पहला पार्ट है चेंज होता क्या है, और दूसरा पार्ट है इसमें हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू मैनेज चेंज। पहले पार्ट में व्हेन वी हैव टू डिफाइन चेंज, अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक चेंज, ऐसा चेंज जो किसी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप एग्जीक्यूट करें, उसे हम स्ट्रेटेजिक चेंज कहते हैं। बेसिकली स्ट्रेटेजिक चेंज में सब फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द नेचर ऑफ चेंज, चेंज की नेचर क्या होती है, चेंज के ट्रिगर्स क्या होते हैं, चेंज आता कहाँ से है, चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, चेंज के नतायज क्या होते हैं। अगर एक इदारा किसी चेंज प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो उससे उस क्या आउटकम्स पैदा हो सकते हैं, एंड देन व्हाट माइट बी द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स चेंज। नॉर्मली ये देखा गया है दैट पीपल नेवर एम्ब्रेस चेंज विलिंगली, लोग कभी भी चेंज को विलिंगली एम्ब्रेस नहीं करते, लोग कभी भी चेंज को विलिंगली एम्ब्रेस नहीं करते, बल्कि लोग जो हैं वो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स अ वेरी एविडेंट फिनोमेना। सो वी वुड सी के किस तरह से हम लोगों के एटीट्यूड्स टुवर्ड्स चेंज को मैनेज कर सकते हैं बाय डिटरमिनिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स पीपल माइट हैव टुवर्ड्स चेंज। नेचर ऑफ चेंज में तीन इंपॉर्टेंट डिस्कशन हैं। दीज टू आर टाइप्स, ये दो जो हैं ये टाइप्स हैं चेंज की, ये दो जो हैं दे आर टाइप्स ऑफ चेंज, ठीक है? इन्हें हम कहते हैं टाइप्स ऑफ चेंज। ये दो जो हैं ये चेंज की टाइप्स हैं। चेंज प्लान्ड होता है और चेंज अनप्लान्ड होता है। प्लान्ड चेंज को हम प्रोएक्टिव चेंज भी कहते हैं, लाइक ऐसा चेंज जो आप सोच के चलते हैं, इंटेंडेड चेंज होता है, डेलिब्रेट होता है। डेलिब्रेट का मतलब है जिसके ऊपर सोच विचार की गई हो, डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच विचार करना। तो समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट, समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी थॉट इन, इसे हम प्लान चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है वो देख रही है, सेंस कर रही है कि कस्टमर की नीड्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, और वो उस चेंज को कैप्चर करने के लिए दे ट्राई टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। दैट्स अ प्लान्ड चेंज, या उन्होंने एंटिसिपेट किया कि फ्यूचर में कस्टमर की नीड्स क्या हो सकती हैं, व्हाट माइट बी द नीड्स ऑफ द कस्टमर इन द फ्यूचर, और उस फ्यूचर नीड को केटर करने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। दैट्स अ प्लान्ड चेंज। अनप्लान्ड चेंज जो है ये रिएक्टिव होता है, एनवायरमेंट में जो इवेंट्स और जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, उन इवेंट्स और डेवलपमेंट्स के अंदर जो सर्कमस्टांसेस बिल्ड हो रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर जो आप चेंज को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट चेंज इज नोन एज अनप्लान्ड चेंज, उसे हम अनप्लान्ड चेंज कहते हैं, इसे हम रिएक्टिव चेंज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया एक सर्टेन प्राइस पे, और आपने जैसे ही लॉन्च किया प्रोडक्ट, कंपेटिटर ने भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब कंपेटिटर के प्रोडक्ट को देखते हुए आपने फौरन अपनी प्राइस चेंज कर दी, दैट इज अनप्लान्ड चेंज, ऐसा चेंज जिसके ऊपर आपने सोचा नहीं था, डिलिब्रेशन नहीं हुई थी। नॉर्मली प्लान्ड चेंज जो होता है ये अपॉर्चुनिटीज
को डेवलप करता है, इट आप किसी अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए प्लान चेंजेस लेके आते हैं, और अनप्लान चेंजेस जो हैं इसको हम एज अ थ्रेट रिएक्ट करते हैं। हमने सॉर्ट पढ़ा था ना, सॉर्ट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनको आप प्लान चेंजेस से टैप करते हैं, और थ्रेट्स नॉर्मली आपको अनप्लान चेंजेस को एग्जीक्यूट करने पर मजबूर कर देते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, देर आर टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ चेंज, चेंज के दो मैग्नीट्यूड्स होते हैं, चेंज के दो मैग्नीट्यूड्स होते हैं, इंक्रीमेंटल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज जो है ये छोटा फेयर दी स्मॉल चेंज होता है। नॉर्मली ये जो इंक्रीमेंटल चेंज के अंदर कोई मेजर रीस्ट्रक्चरिंग या मेजर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी पड़ती आपको, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर नॉट चेंज्ड, इजीली अडेप्ट कर लेते हैं आप चेंज की तरफ, द चेंज इज अडेप्टेड क्वाइट इजीली। इंक्रीमेंटल चेंज में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंक्रीमेंटल चेंज की मिसाल लें आप, जैसे गाड़ियों के मॉडल्स होते हैं ना, एक मॉडल एक कंपनी लॉन्च करती है गाड़ी का, फिर उसको इंक्रीमेंटली इंप्रूव करती है ना, हर साल उसमें कुछ चेंजेस ले आती है, कभी शेप चेंज कर दी, कभी लाइट चेंज कर दी, कभी फ्रंट ग्रिल चेंज कर दी, यू सी दैट्स इंक्रीमेंटल चेंज। इसके बरक्स होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, बड़ा चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल होंडा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाने शुरू कर दे, दैट वुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। होंडा जो है वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे, जस्ट इमेजिन होंडा अभी कंज्यूमर कार्स बनाते हैं ना, कंज्यूमर कार्स मैन्युफैक्चर करता है होंडा, अगर जस्ट इमेजिन होंडा स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स या क्रेन्स, दैट वुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, बिग चेंज। सो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, बड़ा चेंज होता है, इट रिक्वायर्स मेजर रीस्ट्रक्चरिंग एंड मेजर रीऑर्गेनाइजेशन एट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए हम सारे मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, और अभी हमने ऊपर मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज की बात की है, उसके अंदर हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के ऊपर मॉडल्स की बात करते हैं, ठीक है। यानी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए आपको फिर स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं, इनको हम चेंज मैनेजर्स कहते हैं, एंड दे आर द पीपल हु यू नो ब्रिंग द चेंज फेयरली इजीली। तो ये जो रोल होता है ना इनका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दे आर द वंस हु आर यू नो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग द होल प्रोसेस ऑफ द चेंज इफेक्टिवली, पूरे चेंज प्रोसेस को इफेक्टिवली चेंज को इंड्यूस करने के लिए। फिर इसमें हम डिफरेंट मॉडल्स की बात आगे जाके करेंगे, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स इन इट। सो दीज टू आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चेंज। फिर तीसरी नेचर ऑफ चेंज के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिबेट है, दैट इज चेंज के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट चेंज, चेंज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। चेंज का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो होता है ये दो किस्म का होता है, वन ऑफ इवेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। वन ऑफ इवेंट का मतलब होता है चेंज को यकदम ले आना, एकदम चेंज को ले आना, मूविंग क्विकली फ्रॉम ओल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स टू अ न्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैंक जो है, एक बैंक अपना मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम रिप्लेस कर रहा है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम से। अ बैंक इज विलिंग टू अपडेट देयर मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम विद ऑटोमेटेड सिस्टम, तो वो एकदम सारे मैनुअल अकाउंट्स के सिस्टम को क्लोज कर देगा बैंक, और इमीडिएटली मूव कर जाएगा ऑटोमेटेड अकाउंटिंग के ऊपर। इसे कहते हैं वन ऑफ इवेंट। या फिर एक चेंज होता है कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, स्लो पॉइजनिंग की तरह आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज लेके आते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जैसे HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होती है दैट इज वेयर आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्किल बिल्डिंग करते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, उनकी आप स्किल एनहेंसमेंट करते हैं, स्किल बिल्डिंग करते हैं। सो दीज आर बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन नेचर ऑफ चेंज। सबसे पहले हमने बात की टाइप्स ऑफ चेंज की,
दो टाइप्स हैं, प्लान चेंज और अनप्लान चेंज। फिर हमने बात की मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज की। चेंज के दो मैग्नीट्यूड्स हैं, इंक्रीमेंटल चेंज छोटा चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज बड़ा चेंज होता है। इंक्रीमेंटल चेंज की मैंने एग्जांपल दी आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जब गाड़ियां कंपनीज मॉडल चेंज करती हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के अंदर जब कोई कंपनी जो है वो इंटायरली कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे होंडा जो है वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, ठीक है, सो दैट विल बी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। फिर चेंज वन ऑफ इवेंट के तौर पे होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पे होता है। ये चेंज का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है। हाउ डू वी इम्प्लीमेंट चेंज? आप चेंज को यकदम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक वन ऑफ इवेंट के तौर पे, या आप चेंज को आहिस्ता आहिस्ता इंड्यूस करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप चेंज को बिल्ड करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज। चेंज के ट्रिगर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर चेंज, लाइक द रीजंस फॉर मेकिंग चेंज? रिमेंबर, चेंज दुनिया में बगैर किसी वजह के नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। वेन एवर अ चेंज अकर्स देर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड। चेंज विदाउट रीजन कैन नॉट अकर, रिमेंबर दैट। चेंज वजह के बगैर अकर नहीं होता। देर हैज टू बी सम मोटिवेशन टू चेंज, देर हैज टू बी सम मोटिवेशन टू चेंज। और ये मोटिवेशन जो है ये उसके रीजन होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट इमेजिन आपके घर के बैक यार्ड में एक दरख्त लगा हुआ है जिसपे रोज सुबह 1000 रुपीज के नोट उगते हैं, या 100-100 डॉलर्स के नोट उगते हैं। मैं अभी अभी अमेरिका से आया हूँ तो मुझे डॉलर्स याद आ रहे हैं। तो उसके ऊपर नोट लगते हैं, ठीक है, और आप रोज सुबह मतलब जस्ट बेस्ड ऑन योर नीड यू गो एंड प्लक द करेंसी फ्रॉम दैट ट्री। इट मीन्स दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ना आपको कुछ करना नहीं है। फिर उसके अंदर प्रोसेस जो है आपका वो मतलब लाइफ वुड बी सो इजी इफ एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान। करना कुछ तभी पड़ता है ना जब आपको स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का सामना करना पड़ता है। यू हैव टू फेस स्कार्स रिसोर्सेज। जब आप कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं ना, तो देर इज सम ट्रिगर दैट इज पुशिंग यू टूवर्ड्स चेंज ना, कि आप पढ़ें, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन हासिल करें, MBA करें, ACCA करें, जो भी करना है आपने। सो देयर हैज टू बी अ मोटिवेशन बिहाइंड चेंज। अगर कोई मोटिवेशन नहीं है तो दैट इज नॉट गोइंग टू लीड यू। सो देयर हैज टू बी अ ट्रिगर, यू सी। तो ट्रिगर्स जो है वो दो किस्म के होते हैं। देयर आर सम एक्सटर्नल ट्रिगर्स एंड देयर आर सम इंटरनल ट्रिगर्स। एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो हैं जो इदारे की बाउंड्री के बाहर पाए जाते हैं, फॉलिंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नोन एज एक्सटर्नल ट्रिगर्स। जैसे पेस्टल एनालिसिस है, इफ यू रिमेंबर पेस्टल वॉज डिस्कस्ड क्वाइट थॉरली। तो पेस्टल पूरे का पूरा एक्सटर्नल ट्रिगर को डिटरमिन करता है। पेस्टल के सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक्सटर्नली ट्रिगर करते हैं चेंज को। कोई चेंज आएगा पॉलिटिकल फैक्टर्स में, कोई चेंज आएगा इकोनॉमिकल फैक्टर्स में, इफ देर इज सम चेंज इन सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑल ऑफ दीज चेंजेस इन दीज फैक्टर माइट बी ट्रिगरिंग एनी स्ट्रेटेजिक चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट पोलिटिकल फैक्टर्स, एक कंपनी है पाकिस्तान में जो अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है फ्रॉम सम वेंडर इन चाइना, एंड लेट्स से देयर इज सम सिविल अनरेस्ट इन चाइना, सम सिविल वॉर इन चाइना, इसकी वजह से वो जो मेजर आपका जो एक्सपोर्टर है वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट यू हैव टू चेंज योर सप्लायर। तो आपके स्ट्रेटेजिक चेंज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज देयर इज सम पोलिटिकल फैक्टर दैट हैज प्लेड अ रोल। इस तरह इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स इन द कंट्रीज दैट माइट रिजल्ट इन चेंज ऑफ स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ फॉरन सेल्स और एक्सपेंशन, और इन टर्म्स ऑफ यू नो रिट्रेंचमेंट, दोनों केसेस हो सकते हैं। एक मुल्क में इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है, एक मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट है या डिक्लाइनिंग पे जा रही है, तो बिजनेसेस वहां से अपने ऑपरेशन को बाहर खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं, स्क्वीज कर लेते हैं। और इफ देर इज सम गुड इकोनॉमी तो आप अपना वहां पे फिर एक्सपेंड करते हैं बिजनेस को। तो इकोनॉमिक फैक्टर से भी आपकी चेंज इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होती है। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स से पता लगती है। इट अगेन फॉर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ये भी पढ़ा था हमने, जब पब्लिक एटीट्यूड जब चेंज होते हैं तो इट परसुएड्स एंटिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट मीट पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। जैसे आजकल बड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम हो रहा है, हेल्थ केयर बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। Now organizations are producing healthy products
क्योंकि हेल्थ केयर जो है, स्केयर कहते हैं डर को, खौफ, तो हेल्थ केयर पैदा हो चुका है फूड प्रोडक्ट के अंदर। तो कंपनीज हैव नाउ यू नो बीइंग पर्सुएडेड के वो अपने डिजाइन और प्रोडक्शन को चेंज करें, वो हेल्दी प्रोडक्शन करें, हेल्थ प्रोडक्ट बनाएं। इतना पब्लिक एटीट्यूड्स टू रिटायरमेंट एज, रिमेंबर ये मैं डिस्कस किया था ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, तो जो एम्प्लॉयमेंट की जो जो रिटायरमेंट एज है एम्प्लॉइज की, उसके बढ़ने की वजह से कंपनी को अपने एचआर प्लान में चेंज लेके आना पड़ सकता है। कंपनी माइट हैव टू चेंज देयर एचआर प्लान। सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी के हमने डिस्कस किए थे, तीन इम्पैक्ट्स होते हैं बिजनेस के डिसीजंस के ऊपर। वर्किंग मेथड्स नंबर वन, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नंबर टू, एंड स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर नंबर थ्री। और फिर स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर में आगे फर्दर हमने वो डिस्कस किया था डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग, आउटसोर्सिंग। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से भी ट्रिगर होती है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज बीन मेंशनड अर्लियर, या अर्लियर से मुराद है सेकंड चैप्टर। सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन द सेकंड चैप्टर, सो यू शुड रेफर टू पेज नंबर 59 फ्रॉम हियर। ठीक है, अर्लियर से मुराद ये नहीं है कि आप इसी टॉपिक में ऊपर पढ़ा है, अर्लियर से मुराद ये है कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। तो 59 पेज नंबर को आप रेफर करेंगे इसको रिव्यू करने के लिए। खैर, डिस्कस हमने किया था स्ट्रेटजी में चेंज आता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, वर्किंग मेथड्स में चेंज आता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में भी चेंज आता है। सिमिलरली इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल रीजंस फॉर चेंज। बिजनेस जब अपनी प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, व्हेन दे चेंज द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, व्हेन दे शिफ्ट टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज रादर देन कंज्यूमिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारे चेंजेस आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स के हैं। सो दीज चेंजेस विल मेक ऑर्गेनाइजेशन चेंज देयर कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे जब इकोलॉजिकल चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल डिमिनिशिंग सप्लाईज हैं फ्रेश वाटर की, डिमिनिशिंग सप्लाईज हैं एनर्जी की, तो बिजनेस को भी चेंज होना पड़ता है। जैसे आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो बायोगैस पे चल रही हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज यूज कर रही हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट अगेन होल्ड फॉर द लीगल फैक्टर्स एज वेल, व्हेन देयर इज सम न्यू हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, व्हेन देयर इज सम न्यू इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल लॉ, व्हेन देयर इज न्यू एम्प्लॉयमेंट लॉ। जब लॉस चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिर आपके जो बिजनेस के जो डिसीजंस हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज चेंज कर दिया, तो फिर सारे इंडस्ट्रीज को वो मिनिमम वेज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, सो दैट वुड बी हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट। सिमिलरली देर आर सम इंटरनल ट्रिगर्स ऑफ चेंज, चेंज के कुछ इंटरनल ट्रिगर्स भी होते हैं। इंटरनल ट्रिगर एक इदारे के अंदर से निकलते हैं। अच्छा, नॉर्मली एक्सटर्नल ट्रिगर्स जो है ये अनप्लान्ड चेंज को एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर्स लीड टू सम अनप्लान्ड चेंज, इंटरनल ट्रिगर्स लीड टू सम प्लान्ड चेंज। ये भी कनेक्टेड है ऊपर टाइप्स के साथ। इंटरनल ट्रिगर्स चार हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ पे। नंबर वन, सीनियर मैनेजमेंट अगर चेंज हुई तो जो नया सीईओ आएगा वो अपनी मर्जी के डिसीजंस लेके आएगा, जो नया सीईओ आएगा वो अपनी मर्जी के एम्प्लॉइज को रखेगा, बाकियों को शायद वो जॉब से निकाल देगा, माइट बी पॉसिबल फायर कर देगा। तो जब भी सीनियर मैनेजमेंट में कोई चेंज आता है, तो जो न्यू पर्सन इन चार्ज है, ही और शी वुड वांट टू इंट्रोड्यूस द चेंज बिकॉज ही और शी हैज हिज और हर ओन आइडियाज अबाउट हाउ द थिंग्स शुड वर्क। तो दैट्स इंटरनल ट्रिगर, क्योंकि वो ये प्लान चेंज होगा ना, अगर वो कोई नया आने वाला बंदा कुछ भी डिसीजन मेकिंग करेगा तो वो प्लानिंग के साथ करेगा ना, सो दैट वुड बी अ प्लान चेंज। सिमिलरली जब इंटरनल ट्रिगर्स में, व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस गो थ्रू सम एक्विजिशन एंड मर्जर्स, एक्विजिशन कहते हैं व्हेन अ लार्ज एंटिटी परचेजेस अ स्मॉलर एंटिटी, और मर्जर कहते हैं व्हेन टू एंटिटीज कन्वर्ज टुगेदर लूजिंग देयर ओन रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज। जैसे अभी जायद और वारिद का मर्जर हुआ तो जायद वारिद बन गया, वारिद ने अपनी पहचान भी खो दी, जायद ने अपनी पहचान भी खो दी, एंड नाउ दे आर नोन एज जायद वारिद, ये मर्जर कहलाता है। एक्विजिशन की एग्जांपल जैसे मियां मंशा एमसीबी ने एनआईबी को एक्वायर कर लिया, दैट्स एक्विजिशन। तो एनआईबी सारे के सारे ब्रांचेस अब एमसीबी में कन्वर्ट हो गई हैं, ऑल द ब्रांचेस ऑफ एनआईबी आर नाउ एमसीबी। ठीक है, तो जब भी एक्विजिशन होगी, जब भी मर्जर होगा, सो दैट विल बी रिक्वायर्ड, यू नो इट विल आल्सो रिक्वायर सम चेंज। आपको यहाँ पे फिर
डाउनसाइजिंग करनी पड़ सकती है, डीलेयरिंग करनी पड़ सकती है, डिफरेंट आपको डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ सकते हैं। सिमिलरली वी हैव डी मर्जर एंड डाइवेस्टमेंट्स। डी मर्जर कहते हैं जब एक एंटिटी स्प्लिट हो जाए दो पार्ट्स में, इसे डी मर्जर कहते हैं, टूट जाना। मर्जर से मुराद ये मर्जर का ऑपोजिट है। मर्जर से मुराद ये है दैट व्हेन वन टू एंटिटीज कम टुगेदर टू फॉर्म वन एंटिटी, ये मर्जर हो गया। और डी मर्जर से मुराद ये है कि व्हेन वन एंटिटी इज ब्रोकन डाउन इनटू टू एंटिटीज, ये डी मर्जर है। सो डी मर्जर जो है दैट इज व्हेन लार्ज पार्ट ऑफ एंटिटी सोल्ड ऑफ, ठीक। और डाइवेस्टमेंट कहते हैं जब आप एक बिजनेस का एक लार्ज पार्ट सेल कर देते हैं, नॉर्मली दैट पार्ट इज नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट्स। तो व्हेन यू सेल अ लार्ज पार्ट ऑफ अ बिजनेस, उसे हम कहते हैं डाइवेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल इफ नेस्ले सेल्स वन ऑफ देयर डिविजन्स, तो ये डाइवेस्टमेंट कहलाएगी। नेस्ले पाकिस्तान में चार डिविजन्स को ऑपरेट करते हैं ना, मिल्क एंड डेयरी एक डिविजन है, बेबी फूड्स एक डिविजन है, बेवरेजेस एक डिविजन है। दे हैव लाइक थ्री और फोर डिविजन इन पाकिस्तान, हर डिविजन की अपनी प्रोडक्ट लाइन है। ना इफ दे बिलीव दैट वन ऑफ द डिविजन इज नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट, तो दे माइट सेल इट ऑफ टू एंग्रू, दैट वुड बी डाइवेस्टमेंट। ठीक, दोनों केसेस में चेंज आएगा, दोनों केसेस में ऑर्गेनाइजेशन को अपने सिस्टम्स को अपडेट करना पड़ेगा। सिमिलरली रीऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग एंड रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करने का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग करना। व्हेन यू रैशनलाइज यू मीन यू ट्राई टू कट सम कॉस्ट। डाउनसाइजिंग मीन्स टू ले ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। एंड रीऑर्गेनाइजेशन से मुराद स्ट्रक्चरल चेंजेस करना, फ्रॉम टॉल टू अ फ्लैट स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल। तो तीनों केसेस में चेंज विल बी नेसेसरी बिकॉज योर सिस्टम्स एंड योर करंट ऑर्गेनाइजेशन आर नो लॉन्गर वैलिडेटेड। आपके जो करंट सिस्टम्स हैं वो वैलिडेटेड नहीं है। और या फिर दिस ऑल्सो माइट हैपन व्हेन लॉस मेकिंग एंटिटी नीड्स टू क्लोज डाउन एन ऑपरेटिंग डिवीजन, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। एक लॉस मेकिंग एंटिटी अगर कोई अपनी ऑपरेटिंग डिवीजन बंद करने का डिसीजन ले तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रैशनलाइजेशन। और दे माइट बी नीडिंग टू रिड्यूस द टोटल वर्कफोर्स। या करंट ऑपरेशनल सिस्टम जो है दे हैव नाउ बिकम इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट। तो इन सारे के सारे केसेस में फिर आपका जो फोकस है दैट वुड बी अगेन चेंज। ठीक, ये ट्रिगर्स हैं चेंज, एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं और इंटरनल ट्रिगर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कॉन्सिक्वेंस कहते हैं नतायज को, स्पेशली जब चेंज ट्रांसफॉर्मेशनल नेचर का होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चेंज इज नोन एज डिसरप्शन। डिसरप्शन कहते हैं रुकावट आने को किसी काम में, किसी काम में स्मूथनेस ना होने को हम डिसरप्शन कहते हैं। मेजर चेंजेस को डिसरप्शन के बगैर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, और इस डिसरप्शन को अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो यू विल बी फेसिंग अनसक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज। चेंज विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुल। बेसिकली इस पॉइंट में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एंड वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंस बीइंग टॉक्ड अबाउट इज डिसरप्शन। दूसरा फिर जो इसमें पार्ट है वो ये डिस्कस करता है कि इस डिसरप्शन को मैनेज कैसे किया जाए, व्हाट शुड बी डन टू मैनेज द चेंज इफेक्टिवली। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच अपीयर्ड इन इन वन ऑफ द अर्लियर एग्जामिनेशंस कि चेंज को इफेक्टिवली मैनेज कैसे किया जाए। तो चेंज मैनेजमेंट के लिए ये कुछ पांच बेसिक स्टेप्स हैं। यू शुड बी नोइंग दीज की पॉइंट्स टू मैनेज इफेक्टिव चेंज। फॉर एग्जाम्पल चेंज मैनेजमेंट को इफेक्टिव, और ये वाला जो पार्ट है दिस हैज बीन टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन एज वेल। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक चेंज, व्हाट एवर चेंज यू आर विलिंग टू ब्रिंग मस्ट बी वेरी क्लियर, मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। अगर आपको ही नहीं पता कि आपने क्या करना है तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट पीपल टू नो दैट व्हाट दे विल डू। तो चेंज मतलब मस्ट बी वेरी क्लियर, नंबर वन। नीड फॉर चेंज मस्ट बी वेरी क्लियर, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर चेंज। रिमेंबर इफ द थिंग्स आर मूविंग फास्ट देयर इज नो नीड टू चेंज। चेंज आता ही तब है जब देर आर समथिंग विच आर नॉट गुड, नॉट राइट, ऑब्सोलीट, तब आप चेंज आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अब बैंकिंग सिस्टम जो है वो सारा कंप्यूटराइज हो चुका है, तो अगर आज भी कोई बैंक मैनुअल अकाउंटिंग यूज कर रहा है तो बैंकिंग सिस्टम जो है सारे का सारा ऑल द बैंकिंग सिस्टम हैज नाउ बीन कंप्यूटराइज्ड, तो सम बैंक इज स्टिल यूजिंग मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम टुडे, सो इट मीन्स दैट दे हैव टू चेंज, उनको चेंज करना पड़ेगा अपने, नीड फॉर चेंज इज वेरी क्लियर. देन इट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द एम्प्लॉइज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस पॉइंट इज ओवरलुक्ड, इस पॉइंट को अक्सर ओवरलुक भी कर देते हैं. रेजिस्टेंस आती ही एम्प्लॉइज की तरफ से, मशीन विल नेवर रेजिस्ट, मशीन कभी भी रेजिस्ट नहीं करेगी ना. आप अपनी गाड़ी का पेंट चेंज कर लें, आप अपनी गाड़ी की पोशिश चेंज कर लें, गाड़ी कभी रेजिस्ट नहीं करेगी ना आपको. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर विलिंग टू चेंज द इनर पोशिश ऑफ योर कार, तो गाड़ी कभी भी आपको ये तो नहीं कहेगी ना कि नहीं मुझे पुरानी पोशिश पसंद है. लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल का कोई वे ऑफ वर्किंग चेंज करेंगे तो ही और शी विल डेफिनेटली रेजिस्ट, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ चुका है ना अपने प्रीवियस वे ऑफ डूइंग थिंग्स में, ही इज इनटू और शी इज इनटू अ कंफर्ट जोन, तो उस कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ये कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का तरीका ये रीजन फॉर चेंज बताएं, टेल देम व्हाई द चेंज इज नीडेड, और रीजन फॉर चेंज आप तभी बता सकते हैं जब आप खुद बड़े क्लियर होंगे. एंड देन इन द फोर्थ स्टेप यू हैव टू केयरफुली प्लान एंड इंप्लीमेंट द चेंज, यहाँ पे हम मॉडल्स यूज करते हैं चेंज के, दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव ऑल द मॉडल्स अवेलेबल, ताकि हम केयरफुली प्लानिंग करें और केयरफुली चेंज को इम्प्लीमेंट करें. एंड देन वी हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर चेंज यू हैव ब्रॉट इन मस्ट बी स्टिक इन प्लेस, अब जो चेंज आप ले आए हैं देर शुड बी नो टर्निंग बैक. स्टिक इन प्लेस से मुराद ये है कि अब उस चेंज को आपने पुख्ता करना है ताकि वापस जाने का रास्ता ना हो. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स वेयर चेंज मैनेजमेंट माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, मतलब चेंज मैनेजमेंट जो है उसको काफी क्रिटिकल होना पड़ता है. ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, ये भी हमने बात की. देर आर सेवरल स्ट्रेटेजिक मॉडल्स जो चेंज मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाते हैं एक इदारे में, और ये सारे के सारे मॉडल जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं पीपल को और उनके एटीट्यूड्स को. इनफैक्ट हर मॉडल के अंदर एक, जो भी आगे जाके दो तीन मॉडल्स पर बात करेंगे जैसे कर्ट लिविंग का मॉडल है या 7S फ्रेमवर्क है, दोनों मॉडल्स के अंदर कर्ट लिविन में भी 7S के अंदर भी मेनली हम पीपल को डिस्कस करते हैं, द रोल ऑफ पीपल इन द चेंज प्रोसेस. स्टिक से मुराद है फिक्स हो जाना, पुख्ता हो जाना, मेकिंग श्योर दैट द चेंज इज स्टिक, जैसा स्टिकी ग्लू होती है ना चिपक जाना, यानी जो चेंज आप ले आए हैं इट शुड स्टिक, मीन इट शुड रिमेन इन प्लेस. So these are some of the consequences of change. Now let's talk about a very important element in the change process, and that is people. Employees, 99% ये देखा गया है कि employees कभी भी change को willingly embrace नहीं करते. They will majorly try to resist change. People never embrace change effectively or willingly. Some of the employees might be there जो कि change को welcome करें willingly और support करें change को. But more often, employees have some fear of change and they try to resist change. Attitudes और cultures जो हैं ये important role play करते हैं blockages of change की तरफ. There are some cultures which are very open. देर आर सम कल्चर विच आर वेरी कंजर्वेटिव, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोशल सेटिंग क्या है और आप किस कल्चर से आ रहे हैं, वहाँ से डिटर्मिन होगा कि लोगों का चेंज प्रोसेस की तरफ क्या रिएक्शन है या हाउ डू पीपल बिकम ब्लॉकेजेस टूवर्ड्स चेंज. देर आर सम कल्चर विच माइट नॉट बी ब्लॉकेज टूवर्ड्स चेंज, बट देर आर सम कल्चर दैट माइट बी अ वेरी ह्यूज ब्लॉकेज टूवर्ड्स चेंज. तो बेसिकली तीन मेन रीजंस डिटरमिन करते हैं एम्प्लॉयज के बात पे, एम्प्लॉयज के एंड पे वी हैव थ्री मेन रीजंस दैट व्हाई एम्प्लॉयज विल रेजिस्ट चेंज. सो
देर आर सम रीजंस जो कि जॉब से रिलेट करते हैं, देर आर सम रीजंस जो कि इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं, और देर आर सम रीजंस जो कि उसकी सोशल सेटिंग से रिलेट करते हैं। एंड दीज आर द रीजंस फॉर विच पीपल ट्राई टू रिजिस्ट चेंज। ये वाला भी एरिया आपके एग्जामिनेशन में टेस्ट हो चुका है अर्लियर। दिस टॉपिक हैज ऑल्सो बीन ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट जॉब रिलेटेड रीजंस। जब भी कोई चेंज लेके आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एम्प्लॉई स्टार्ट फीलिंग कि उनकी जॉब रिस्क पे आ गई है। जैसे स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट सम टेक्नोलॉजी, जब हम कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज लेके आते हैं, तो सबसे पहला जो फियर होता है एम्प्लॉयज को, दैट इज कि दे विल बी जॉबलेस। एंड दैट्स अ वेरी ट्रू फियर, यू कांट हेल्प इट आउट। ठीक है, आप इसे हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, इफ यू आर लाइक एम्प्लॉयज फ्रॉम अ वेरी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, या ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसको मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती, नॉर्मली जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लेवल पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, दे माइट नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द मशीन। एम्प्लॉयज माइट बिलीव कि उनकी एग्जिस्टिंग स्किल जो है, दैट विल बी नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वाई देयर इज दिस मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल थी अभी अकाउंटिंग सिस्टम को चेंज करने की, शी विल चेंज द अकाउंटिंग सिस्टम, तो एनीबॉडी कैन बी एन अकाउंटेंट। ठीक है ना, मतलब आपका जो कंप्यूटर है फिर वही अकाउंटेंट बन जाएगा। तो एम्प्लॉयज वुड फील के लिए हमारा जो स्किल था वो वेस्ट हो गया। एम्प्लॉय माइट फियर दैट द वर्किंग कंडीशंस विल बिकम मोर वर्स। जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं अटेंडेंस के, अब पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनुअल अटेंडेंस हुआ करती थी, नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू मेक इट मोर इफेक्टिव। सो दीज आर सम ऑफ द सोशल सॉरी जॉब रिलेटेड रीजंस फॉर चेंज। वर्किंग कंडीशन उनके लिए शायद स्पॉइल हो जाए, पहले अटेंडेंस जब मर्जी मार्क कर दिया, बायोमेट्रिक आ गया, तो उन्हें पंक्चुअल होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। देर आर सम पर्सनल फियर्स एज वेल। पर्सनल फियर में सबसे बड़ा फियर होता है जिसे हम फियर ऑफ अननोन कहते हैं। दिस इज द बिगेस्ट फियर, फियर ऑफ अननोन। जब तक आपके सामने आउटकम आ नहीं जाती, यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ फियर ऑफ अननोन। ये ह्यूमन नेचर। इसी तरह अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनल रीजन माइट बी एम्प्लॉयज विल बिलीव दैट दे विल बिकम लेस इम्पॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयर, उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। दे माइट बिलीव कि जो चेंज आ रहा है उससे उनके काम को तनकीद किया जाएगा, दे विल बी क्रिटिसाइज्ड, और दे माइट थिंक दैट चेंज के बाद उनका काम इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेस इंटरेस्टिंग बन जाएगा, तो दे शुड स्टार्ट मूविंग टू अदर जॉब्स राइट फ्रॉम नाउ। सी, तो दीज आर सम ऑफ द पर्सनल रीजंस जिसमें एम्प्लॉयज अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं। एम्प्लॉयज स्टार्ट बिलीविंग दैट देयर वर्क इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, एम्प्लॉयज वर्क विल बिकम लेस इंटरेस्टिंग। ये सारे फियर्स हैं उनके। सेकेंड पॉइंट से इज के जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई चेंज लेके आते हैं, पुराना वर्किंग मेथड दैट वुड बी क्रिटिसाइज्ड, उनका जो पुराना वर्किंग मेथड था दैट वुड बी, जो उनका पुराना जी एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स का, ऑब्वियसली पर्सनल का, इंडिविजुअल का, मतलब एक अकाउंटेंट जो है वो बड़ी देर लगा के बैलेंस शीट बनाया करता था, अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे 2 मिनट में बैलेंस शीट बन जाती है। तो वो अकाउंटेंट को ये फियर हो सकता है कि उसका बॉस उसे डांटेगा कि तुम इतनी देर क्यों लगाते थे बैलेंस शीट को बनाने में। दैट वॉज अ पर्सनल फियर। ठीक, और ही माइट बी रिलक्टेंट ऑफ लर्निंग न्यू वेज ऑफ थिंग्स, वो शायद कोई नई चीज सीखने में इंटरेस्टेड ना हो, या अगर हो तो दे माइट बी सम प्रॉब्लम।
डिपेंड करता है ना, कि आप किसी नए वर्किंग मेथड को अडॉप्ट करने में कितने इंटरेस्टेड हैं। देर आर सम एम्प्लॉयज हु आर, हाँ और भी हैं एग्जैक्टली, अभी डिस्कस करते हैं उनको भी। देखें ये अगेन आगे जाके भी डिस्कस करते हैं, ये इधर आएगा। ये रिएक्शंस टू चेंज, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सम पीपल रिएक्ट टू चेंज वेरी एंथुजियास्टिकली, कुछ लोग चेंज को बड़ा एंथुजियास्टिकली रिएक्ट करते हैं। दे लुक इन टू द चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो चेंज को बड़ा पेसिमिस्टिकली रिएक्ट करते हैं। दे लुक एट द चेंज एज के हमसे हमारा कंट्रोल छीना जा रहा है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन खैर पर्सनल रीजन जो हैं ये उन्हीं के लिए हैं जो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करते हैं। एक बंदा जिस जो ऑलरेडी चेंज को विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज ही बिलीव दैट ही इज गेटिंग समथिंग न्यू टू लर्न, तो उसके लिए फिर ये पर्सनल फियर तो ना ना हुआ। फियर तो उसी के लिए होगा ना जो रेजिस्ट करेगा, फियर तो उसी के लिए होगा जो उसको रेजिस्ट करेगा। देन वी हैव सम सोशल रीजंस। सोशल रीजंस में कौन कौन से रीजन है? फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयज विल रेजिस्ट चेंज बिकॉज दे बिलीव के वो उनके वर्क ग्रुप को ब्रेकअप कर देगा। जिन लोगों में वो पहले काम किया करते थे नाउ दोज पीपल माइट नॉट बी अवेलेबल, तो वर्क टाइज टूट जाएंगे। ये एक सोशल रीजन है। हाँ हाँ जी एग्जैक्टली, पर्सनल फियर माइट बी अ रीजन ऑफ बीइंग रिलक्टेंट। लेकिन फियर होता है तो आप रिलक्टेंट होते हैं, अगर फियर नहीं है देन यू वोंट बी रिलक्टेंट, फिर आप रिलक्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, देन यू वुड बी करीजियस। सोशल रीजंस के अंदर एम्प्लॉयज माइट थिंक कि जब चेंज आ जाएगा तो दे विल बी फोर्स टू वर्क ऑन देयर ओन मोर एंड दे विल बी लेस इंटरेक्शन विद कॉलीग्स। ये भी एक सोशल फियर है कि अगर आप एक नई मशीनरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको अकेले उस पर काम करना पड़ेगा, आपकी सोशल इंटरेक्शन कम हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल बिलीव दैट। देन अ सोशल रीजन इज दैट यू माइट हैव सम ग्रज ऑन द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग द चेंज। आपको पहले ही वो बंदा पसंद नहीं था जो चेंज लेके आ रहा है, ठीक है, सो यू विल नेवर एक्सेप्ट द चेंज। और यू माइट डिसलाइक द वे द चेंज इज बींग इंट्रोड्यूस्ड। इंडिविजुअल इज फाइन लेकिन उसका तरीका ठीक नहीं है। जिस प्रोसेस से आप चेंज को लेके आ रहे हैं वो प्रोसेस सही नहीं है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए फिर आपको ये वाला सेकेंड पॉइंट अडॉप्ट करना पड़ता है हियर। ये नीड फॉर चेंज को रिकग्नाइज करके उसे बताना, एंड देन रिकग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन द एम्प्लॉयज एंड तो ये पे सब मतलब दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। हाँ डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स कि आप यू विल स्टार्ट हेटिंग हिम आफ्टर द चेंज एंड ब्लेम हिम फॉर दैट, प्रोवाइडेड के आप इनिशियली विलिंग नहीं थे चेंज को एम्ब्रेस करने। हाँ इनिशियली आप विलिंग थे चेंज को एम्ब्रेस करने में, बट अल्टीमेटली समथिंग हैज नॉट वर्कड आउट राइट, तो फिर अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग द पर्सन। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशियली विलिंग हो चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए। अगर आप इनिशियली विलिंग नहीं है चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए देन दिस शुड नॉट गो विद यू। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सोशल रीजंस। और सोशल रीजंस के अंदर जो मेन रीजंस हैं दे आर कि पीपल बिलीव के उनके ग्रुप्स टूट जाएंगे, पीपल बिलीव के दे माइट बी फोर्स टू वर्क ऑन देयर ओन मोर, पीपल बिलीव के जो इंडिविजुअल फोर्स कर रहा है चेंज को ही इज राइट, और पीपल बिलीव दैट जो इंडिविजुअल एंडोर्स कर रहा है उस चेंज को जबरदस्ती लेके आ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो प्रोसेस ही सही नहीं है। ठीक है, कल्चर का टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो कल्चर को जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ जाके हम देख लेंगे चेंज को। वी विल अलाइन कल्चर विद चेंज। ठीक है, इन दोनों को हम इन अलाइनमेंट डिस्कस करेंगे।
इनफैक्ट ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में अपेयर हो चुका है, दीज 3 पॉइंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्टिल अंटिल यू हैव अंडरस्टूड कल्चर यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, चेंज और कल्चर का क्या कनेक्शन है आपस। ओके दैट्स इम्पोर्टेंट, हाउ डू पीपल रिएक्ट टूवर्ड्स चेंज, पीपल रिएक्ट टूवर्ड्स चेंज ऑन अ स्केल 1 to 4 या 1 to 5 कह लें या 1 to 6 कह लें। रिएक्शन आई रिमेंबर हमेशा एम्प्लॉय की तरफ से होता है, पीपल ऑलवेज हैव द रिएक्शन। चेंज लाने वाला कभी रिएक्ट नहीं करता, चेंज को एम्ब्रेस करने वाला रिएक्ट करता है। रिमेंबर दैट वेन एवर अ चेंज इज बींग ब्रॉट इन द रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम द इंडिविजुअल हु इज गोइंग टू एम्ब्रेस चेंज, नॉट द वन हु इज ब्रिंगिंग इन द चेंज। ओके सो देयर आर फोर रिएक्शन ऑन अ स्केल, इसको हम एक स्केल पे डिफाइन करते हैं। एक तरफ मिनिमल एक्सेप्टेंस है और एक तरफ मोस्ट एक्सेप्टेंस है। देयर आर फोर पॉइंट्स ऑन द स्केल। अगर एक चेंज को आप बड़ी बेदिली से एक्सेप्ट कर रहे हैं सो दैट वुड बी एंट्रेंचमेंट, वेयर यू इनिशियली रिफ्यूज टू चेंज, लेकिन जस्ट बिकॉज के आपको नेगेटिव टैक्टिक्स सुनाई जा रही है, आपको पनिशमेंट का खतरा है, तो आप ना चाहते हुए भी चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस अप्रोच इज जनरली नॉट गुड क्योंकि ये डिलेज में रिजल्ट करती है, क्योंकि प्लान चेंज को आप इनवेरिएबली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट चेंज फोर्सिंग द एम्प्लॉईज के वो उस चेंज को एम्ब्रेस करें। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यस यू कैन से दैट इट्स अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यहां पढ़े जा मोटिवेशन, ठीक। सो यस दैट कैन बी अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा एंट्रेंचमेंट में और बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस में फर्क होता है। एंट्रेंचमेंट के अंदर आप एक्सट्रीम नेगेटिव टैक्टिक यूज करते हैं कि आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाएगा या आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड और यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर इनपुट, आपके इनपुट इसमें नहीं ली जाती। इसके बरक्स बिग्रजिंग के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है एम्प्लॉयर का, इवन दो यू डू नॉट सपोर्ट चेंज बट यू बिलीव दैट देयर इज नो चॉइस अदर देन टू एक्सेप्ट द चेंज। अच्छा बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस के अंदर फिर आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, यू स्टार्ट प्लानिंग विद देम, यू यू स्टार्ट मेकिंग श्योर के एम्प्लॉयज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस पूरे चेंज प्रोसेस का। तो बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस चाहिए स्लाइटली पॉजिटिव है कम्पेयर टू एंट्रेंचमेंट, ठीक है। बिग्रेजिंग में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज्यादा है, एंट्रेंचमेंट में थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा। एनी क्वेश्चन सो फार, अभी तक कोई सवाल? ओके ग्रेट, चलो फिर इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, दैट्स अ गुड आइडिया, वैसे दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, थैंक यू सो मच फॉर प्रपोजिंग द आइडिया। एंड बट अगेन देखें अटेंडेंस जो है इसमें आप ही का फायदा है, अटेंडेंस अगर आपकी रेगुलर होगी सो दैट वुड बी ऑफ हेल्प टू यू पीपल। If you can just come timely,
विल बी एबल टू गेट अलॉन्ग विद ऑल द कंटेंट्स ऑफ डिस्कशन। इवन तो अगर आप 5-10 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है एंड रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। यू कैन जस्ट लिसन टू द रिकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड ओके फाइन व्हाट वाज द डिस्कशन इन द फर्स्ट 5-7 मिनट व्हाट एवर यू हैव मिस्ड। ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू यू शुड कम, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, योर अवेलेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन एनी थिंग एल्स। ठीक है, ये अभी मैं कल अनाउंस करूंगा, आई एम नॉट श्योर, कल बताऊंगा। ठीक है, आज इंशाल्लाह आज हो जाएगा, आई विल आस्क रिजवान, आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके चलिए, आई विल कोऑर्डिनेट, आई विल कोऑर्डिनेट। आई विल चेक विद इट, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? चल इसको फिर यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ये रिएक्शंस टू चेंज को। ठीक है, एंड देन वी वुड टॉक अबाउट लिवर्स एंड स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट एंड देन वील जंप ऑन द मॉडल्स ऑफ चेंज। तो होपफुली इस वीक में इंशाल्लाह उम्मीद है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। By the end of the week, this topic will be completed. Change management, pura. Baki WhatsApp pe you can stay connected if you have any query, anything you may ask on WhatsApp. Okay, जी, then see you. Allah Hafiz. Thank you.